नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी आप रोज देख रहे हैं। लेकिन इस बार खबर बिहार के नालंदा जिले से है, नीतीश कुमार के गृह जिले से है, जहां पर एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी आते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, और जब लूटपाट का विरोध किया जाता है तो बच्चे और बुजुर्ग को गला घोट कर मार डालते हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि तस्वीरें आपके मन को विचलित कर सकती हैं, तस्वीरें आपको सुबह सुबह काफी टेंशन दे सकती हैं। बिहार के नालंदा जिले से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने हर किसी को दहला कर रख दिया है और सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार में आखिर अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। लूट की घटना को अंजाम देने दिन के उजाले में आते हैं और विरोध करने पर गला घोट कर मार डालते हैं, जिसके बाद नालंदा में लोगों में आक्रोश मचा हुआ है, लोगों में क्रोध इस बात को लेकर है, गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बढ़े चढ़े क्यों। खबर यदि हम आपको विस्तार से बताएं तो देखिए, नालंदा जिले के परबलपुर थाना इलाके के करण बीघा गांव में दिनदहाड़े व्यवसायी के घर लूटपाट के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने दादी और पोते के गला दबाकर हत्या कर दी है। दबा व्यवसायी के यहां की यह घटना है। मृतका स्वर्गीय नंदे प्रसाद की पत्नी मीना देवी और व्यवसायी अंजन पटेल का 5 वर्षीय पुत्र अंश पटेल उर्फ फुन्नू है। ये अंजन पटेल जो है दवा व्यवसायी है, दवा का कारोबार करते हैं और घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। इनकी माने तो बदमाश पिछले दरवाजे से घर में दाखिल होकर घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शव को खटिया पर लेटाकर निकल गए। घटना के बाद जब लोग इधर उधर घूमते नजर आए, जब अंदर जाकर देखा तो नजारा देखकर सभी हैरान रह गए कि अपराधी अपने साथ 3-4 लाख की संपत्ति भी साथ ले गए, उसके बाद इन लोगों की हत्या भी कर दी है। इतना ही नहीं, वहां इस मामले में क्या कुछ हिलसा के डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद कह रहे हैं और क्या कुछ वहां के ग्रामीण कह रहे हैं, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और किसने अंजाम दिया होगा, तमाम बातें बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए। और महिला के जिस तरह से लगा हुआ फांसी नहीं, ये हत्या किया गया है, यह साजिश के तहत हत्या है, संभव है, बहुत गंभीर मसला है, हो सकता है बहुत अंदरूनी मामला हो सकता है। हम लोग इस बिंदु पर तहकीकात कर रहे हैं, फिलहाल परिजन का कुछ स्टेटमेंट आ जाता है लिखित रूप से तो हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोग तकनीकी दृष्टिकोण से FSL और डॉग स्क्वाड को भी खबर किया है, सुबह अर्धी सुबह पहुंचेंगे, तब तक घटनास्थल को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। और लूट का भी देखा जा रहा है कुछ? देखिए, ये घटना मुख्य रूप से हत्या का जो पहला देखने से लग रहा है, ये हत्या का लग रहा है, ठीक है। अच्छा। इस क्रम में जो भी घटनाएं घटी होगी, जो साथ में रही होगी, वो एक हो सकता है संभव है को डाइवर्ट करने का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग हर एक बिंदु पर तलाश करेंगे कि कारण अखिल घटना का क्या है। अभी फिलहाल हम लोगों ने बात किया है लोगों से, कुछ इनके पास बातें हैं, अभी बताएं, अभी बता नहीं पा रहे हैं, बताएंगे और आने दीजिए लिखित उनका आवेदन। तत्काल हम लोग तकनीकी बिंदु पर हर एक डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं, कल तक देखिए कुछ आगे अपडेट मिल सकता है। क्या मैंने लग रहा है, क्या इसका कोई ना कोई तो इसको इल्जाम देबे ना किया है। देखिए, फांसी लगाए हुए है, उसको दोनों को गला घोट कर मारा है, फिर देखिए संपत्ति भी लूट लिया है, तो ऑटोमेटिक है कि जान पहचान के लोगों ने ही काम किया है, दिन का मैटर है। कब का लगता है घटना, कितने बजे के लगभग का है? 12 और 2 के बीच का घटना है। दिन में? दिन, हाँ, दिन में 12 और 2 के बीच में घटना है। तो सुना आपने, नालंदा में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, यहाँ पर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। खास बात यह कि दिन के उजाले में लूटपाट की गई है, लाखों की संपत्ति भी लूटी गई है और दो लोगों की, जिसमें बच्चा और बुजुर्ग दोनों शामिल है, इनकी जान भी ले ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का हुजूम उमड़ने लगा, पुलिस की गश्ती पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा और जैसे ही जानकारी मिली, हिंसा अनुमंडल DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद गांव में पहुंचे और छानबीन करना शुरू कर दिया, बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस की गश्ती पर, पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो लोग अपने घर में भी सुरक्षित कैसे रहेंगे। घर में घुसकर लोगों की जान ली जा रही है, लोगों की हत्या की जा रही है और इस बात से इसका पता चलता है कि बिहार में अपराधियों के मंसूबे कितने बुलंद हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। दर्दनाक तस्वीर है, बताने लायक तो तस्वीर नहीं है लेकिन खबर बड़ी है, इसलिए हमें आपको बताना भी पड़ा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।